इस सामने हाजिर हूँ। काउंटडाउन शुरू हो चुका है कैराना उपचुनाव को लेकर, नूरपुर उपचुनाव को लेकर, जिसके बाद पता चलेगा कि आखिर योगी सरकार कितनी सफल है और कितनी विफल, और साथ ही बुआ और बबुआ यानी कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और उस पे आरएलडी का साथ क्या बरकरार रहेगा ये साथ आगामी लोकसभा 2019 के मद्देनजर, और क्या ये साथ की बदौलत जीत पाएगी सपा वहां से कैराना से, क्या मृगांका सिंह पे जो दाव खेला है पीएम मोदी और अमित शाह ने बीजेपी ने, क्या वो दाव सफल हो पाएगा, बहुत अनगिनत सवाल है। कल एक खबर सामने आई थी कि देवर जो है तबस्सुम हसन के, वो उनके खिलाफ निर्दलीय तौर पर खड़े हो गए थे, लेकिन फिर उसमें खबर आई कि कंवर हसन ने समर्थन दे दिया है तबस्सुम हसन को, यानी कि देवर भाभी अब एक हो गए हैं। ऐसे में मृगांका सिंह के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। इसके अलावा सवाल ये भी है कि मृगांका सिंह के खिलाफ 5 दल हैं, तो क्या वो खुद को खड़ा साबित कर पाएंगी, क्या वो बीजेपी को जिता पाएंगी, क्योंकि उनपे दारोमदार सबसे ज्यादा है। और कैराना को मैंने नाम दिया है गोरखपुर पार्ट टू, क्योंकि गोरखपुर के बाद कैराना ऐसा शहर है, एक ऐसी सीट है जहां से बीजेपी को जीतना बहुत जरूरी है। अगर नहीं जीती तो समझिए अगले साल बहुत मुश्किल होगी यूपी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को निखारने के लिए, और खुद पीएम मोदी और अमित शाह को एड़ी चोटी का जोर भी लगाना पड़ सकता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अनिल मिश्रा मौजूद है, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि आखिर, उनसे चर्चा करूंगी कि आखिर कैराना में अब कंवर हसन ने यूटर्न लिया है और वो अपनी भाभी के पाले में आ गए हैं, क्या लगता है मृगांका सिंह जीत पाएंगी कैराना सीट? देखिए अभी तक देखने को यह मिल रहा था कि कैराना सीट पे विपक्ष पूरी तरीके से देख, अभी आपने कर्नाटक में देखा है कि पूरी तरीके से विपक्ष एकजुट होकर के प्रधानमंत्री मोदी यानी कि बीजेपी के खिलाफ खड़ा हुआ है कि किसी भी तरीके से बीजेपी को किसी भी चुनाव में सफल नहीं होने देना है। अब कैराना सीट पे आइए आप, कैराना सीट में यही चीज देखने को मिल रही है कि अभी कंवर हसन हसन के सामने, मतलब देवर और भाभी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए थे, लेकिन अब जब विपक्ष ने बैठ करके चर्चा की कि क्या होना चाहिए, कि बीजेपी को कैराना सीट से बिल्कुल निकलने ही नहीं देना है कुछ भी करिए, अब उन्होंने चर्चा की घर पर बैठ करके उनके, और कंवर हसन को कहीं ना कहीं बैठा दिया गया है कि आप चुनाव मत लड़िए। अब बीजेपी के लिए ये मुश्किल खड़ी हो गई है, जहां आसान था क्योंकि अगर कंवर हसन अगर खड़े होते तो विपक्ष वो वोट बढ़ जाता, क्योंकि कंवर हसन को खा रहे बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, और उसमें एक तड़का ये देखिए कि आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन दे दिया है समाजवादी पार्टी को, यानी कि यहाँ पे सब एकजुट हो गया, बीजेपी अकेली पड़ गई है। देखिए अगर एजेंट के रूप में काम कर रहे थे तो मतलब वो खड़े होना चाहिए उनको, अब वोट बटेगा क्योंकि अगर वो जब खड़े थे तो उनको वोट बटेगा कैसे, इसलिए बटेगा क्योंकि कंवर हसन का जो है और तबस्सुम जो हसन है उनका, उनको कहीं ना कहीं जो वोट देने वाले थे कि उनको वोट अगर दिया जाता तो कहीं ना कहीं बीजेपी को उसमें फायदा होता, लेकिन अब कंवर हसन ने अपने पैर खींच लिए, अब क्या होगा कि अब लड़ाई बीजेपी और तबस्सुम हसन में है, पैर खींचे हैं खिंचवाए गए हैं वही मैं कह रहा हूँ कि अब खींचे तो उन्हीं ने, अब भले ही आधार कोई और हो कि मतलब किस तरीके से उन बैठ के चर्चा की गई होगी कि बीजेपी को फायदा मिल सकता है और कई चीजों में, कि नहीं क्योंकि रमजान का महीना है और इसमें भी कहीं, लेकिन अनुज जी सवाल ये भी है ना कि हम बीजेपी को इतने हल्के में नहीं आ सकते कि भले एकजुट इकट्ठा समर्थन कर लिया सारी पार्टी को, तो इसका मतलब ये बीजेपी में दम ही नहीं है बिल्कुल। मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं आ सकते क्योंकि अमित शाह की जो रणनीति है वो बहुत ही ज्यादा एक ऐसे तौर पर रहती है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को किस तरीके से चोट पहुंचानी है, उसको लेकर उसका किला किस तरीके से भेदना है, तो उनको बहुत अच्छी तरीके से रणनीति बनाते हैं। अब आप देख लीजिए हिंदू जो हिंदू युवा वाहिनी हो या फिर विश्व हिंदू परिषद हो या आरएसएस हो, बजरंग दल, इन सभी कार्यकर्ताओं को कैराना सीट पे लगा दिया गया है, हर बूथ पर लगाया है कि आपको किसी तरीके से दलित जो है, क्योंकि दलित का बहुत बड़ा मुद्दा है वहाँ, क्योंकि जिस तरीके से 2 अप्रैल का भी मुद्दा बहुत बड़ा है, बिल्कुल, तो सभी को कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में ला करके कि कहीं ना कहीं बीजेपी की जो नीतियां हैं उनको गिना करके और उनके माइंड को डाइवर्ट करने के आप बूथ लेवल पर कहीं ना कहीं उनको वोट डालने पर मजबूर किया। लेकिन बीजेपी के पास ये बड़ा एक अहम पॉइंट ये है कि बहुसंख्यक को अपनी तरफ खींच सकती है, बार बार ये बोलती हूँ, बहुसंख्यक को अगर उसने खींच लिया तो उसे बाकी चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन जाति का समीकरण ये हो सकता है कि वहाँ पे यादव दलित और मुस्लिम अगर एक हो गए तो समझिए बीजेपी की मुश्किलें खड़ी हो, क्योंकि गोरखपुर फूलपुर का ही सियासी घटनाक्रम यहाँ देखने को मिलेगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि गुर्जरों की भी संख्या बहुत है और गुर्जर और जाट को तो अपने प्रभुत्व में लेने के लिए तो वहाँ पे आरएलडी
चौधरी जो है वहाँ पे कर रहे हैं अपना काम, उससे बीजेपी के लिए मुझे चौतरफा तो बीजेपी घिर रही है, तो बीजेपी के लिए मुश्किलें ज्यादा है कि कैराना सीट जीत पाएगी या नहीं। बिल्कुल चैलेंज है बीजेपी के लिए, बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं ये भी आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ की रणनीति, क्योंकि चैलेंज दिया है योगी आदित्यनाथ का भी के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि गोरखपुर की सीट ऐसी सीट थी जो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के ही नीचे से निकल गई है। अब सवाल ये है कि कैराना सीट पे आप क्या करोगे। कैराना सीट पे आपको बहुत टाइम दे दिया गया है कि आप टाइम ले लीजिए, लेकिन आपको कैराना सीट जीत कर लानी है कैसे भी, एनी हाउ। लेकिन अब देखने को ये मिलेगा कि योगी आदित्यनाथ किस तरीके की रणनीति अपनाते हैं, क्योंकि अमित शाह ने पूरा टारगेट दिया है। यहाँ पे देखिए गोरखपुर और फूलपुर का जिक्र करना बनता है कि गोरखपुर में जो कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से खड़ा किया गया था, उस कैंडिडेट पे योगी आदित्यनाथ की सहमति नहीं थी। हालांकि वहाँ पे जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे, उन्होंने बोला कि भाई हम वहाँ पे खड़ा करते हैं उम्मीदवार को, जीतेंगे, लेकिन वहाँ पे तो हार गई बीजेपी। गोरखपुर से कुनबा साफ हो गया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ वहाँ से कह रहे थे कि उस उम्मीदवार को खड़ा ही ना किया जाए, लेकिन वहाँ से खड़ा किया। अब यहाँ पे कैराना से हुकुम सिंह की बेटी को खड़ा किया गया, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ की सहमति है। कहीं ना कहीं गोरखपुर फूलपुर के मैंडेट से जो चुनावी नतीजे सामने आए थे, उससे सबक लिया बीजेपी ने। लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि कैराना जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ऐसा हिस्सा है जहाँ पे मुस्लिम, जाट, गुर्जर, दलित, इनकी इतनी गठजोड़ की राजनीति चलती है कि वहाँ भी बहुसंख्यक भी फेल हो सकता है बीजेपी के लिए। देखिए बहुसंख्यक, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कहीं ना कहीं बहुसंख्यकों को लेकर के ओवर कॉन्फिडेंस में जब अगर बीजेपी आ जाती है तो कहीं ना कहीं उसको अंजाम फिर वैसे भुगतने को मिल जाते हैं, हार का सामना करना पड़ता है। आप रणनीति आपने बनाई है, किस तरीके की बनाई, पर्दे के पीछे बीजेपी की क्या रणनीति चल रही है, किसी को भी मालूम नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आप बहुसंख्यकों को भी आपको साधना है, आपको दलितों को भी लेकर के साधना पड़ेगा वोट बैंक को, और आपको अल्पसंख्यकों को भी साधना पड़ेगा। आपने चीज नोटिस की है दर्शकों, आपने भी चीज नोटिस की, कैराना में ही सारा जमावड़ा नजर आ रहा है, लेकिन नूरपुर में ज्यादा जमावड़ा नजर नहीं आ रहा है। नूरपुर की सीट को हल्के में ले रही है बीजेपी। मैं वही बता रहा हूँ, नूरपुर सीट को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। अगर कैराना में जितनी मजबूती के साथ आप आ रहे हैं, नहीं लिया जा सकता है वो अलग की बात है, कि ले तो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ। कि आप 25 तारीख को, आप ये देखिए 25 तारीख हो गई है, काउंटडाउन शुरू, 28 को हम वोटिंग है, लेकिन नूरपुर तो पहुंचे ही नहीं अभी तक। आप चीज का जिक्र नहीं हो रहा है, क्योंकि नूरपुर सीट को बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि खबरों में बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन कैराना सीट जो है उस पे ज्यादा ये लगता है कि बीजेपी ज्यादा बहुत अच्छी तरीके से फोकस कर रही है, क्योंकि कैराना सीट शायद उनके यही कहते हैं ना कि पीएम मोदी के उसके अस्तित्व का सवाल है, या यूं कहें कि उनके शायद यही वजह है कि आगामी 27 मई को वहाँ पे एक्सप्रेसवे को लॉन्च भी करने जा रहे हैं। यही वजह है कि कैराना को जीतना अहम है भाई। अगर कैराना नहीं जीतेंगे समझिए फिर सुपड़ा साफ है साल 2019 में। भले हम दो सीट से आग नहीं सकते कि बीजेपी का परफॉर्मेंस, लेकिन कहीं ना कहीं गोरखपुर फूलपुर में तगड़ा झटका लोकसभा सीट है। बिल्कुल फिसल सकती है अगर अभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में बीजेपी रही तो वास्तव में फिसल सकती है। फिलहाल ओवर कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा इस बार, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो पलायन का मुद्दा लेकर बैठ गए और उनका हिसाब से वहाँ पे सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं। पलायन का मुद्दा लेकर क्या जरूरत क्या थी? आप विकास के मुद्दे पे बात करें, अखिलेश यादव को भी उन्होंने चैलेंज किया है यहाँ पे कि उन्होंने बोला है कि सपा प्रत्याशी उधार देती है, उन्होंने तो ये बोला है। अखिलेश यादव को चैलेंज करने का मतलब क्या बनता है? अब आरएसएस ने हिंदू पलायन को लेकर के कहीं ना कहीं मुद्दा एक शुरू कर दिया है, क्योंकि आप जो जख्म है वहाँ के उनको खुदेड़ने के लिए। अनुज जी, यहाँ पे हिंदू पलायन का मुद्दा उतना अहम नहीं है जितने मुद्दे अहम है विकास को लेकर। देश की आवाम जो है, कैराना की आवाम है, सबकी सोच है कि विकास कहाँ है भाई। आप विकास बताइए, आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके कहाँ तक कहाँ जाएंगे बताइए। विकास का मुद्दा तो पूरे देश के अंदर ही दब चुका है। गायत्री जी, आप देखिए किसी भी आप राज्य को उठा के देख लीजिए, कौन विकास पे बात कर रहा है? ना तो बीजेपी विकास के लिए बात करती है, ना कांग्रेस बीजेपी। भले ही पार्टी विकास की बात ना कर रही है, क्योंकि पीएम मोदी साल 2014 में इसी दमखम पे अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुए थे कि 100 दिन में काला धन लेकर आऊंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बहुत हुआ महिलाओं पर बात। अब की बार मोदी सरकार इतने बड़े बड़े स्लोगन कह के पीएम मोदी आज जुमलेबाज करार दिए जाते हैं विरोधी पार्टी की तरफ से, तो कुछ तो सत्यता है कि वो अपने वादों पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। तो
खरे नहीं उतर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके पूरी जनता भी जानती है और हिंदुस्तान की पूरी जनता जानती है, लेकिन इसके बावजूद भी 21 राज्यों पर बीजेपी क्यों आती जा रही है? क्या जहन नहीं, किस तरह सरकार बनाई वो आप भी अच्छे से जानते हैं, हम भी अच्छे। कर्नाटक में बहुत दावपेच खेले, बन नहीं सरकार, नहीं बनी, क्योंकि कभी ऐसा नहीं कि आप गलत करते जाओगे और हमेशा गलत सहन कोई करता जाएगा। जैसे सरकार बनाई मोतोर मुंह की खानी पड़ी है कर्नाटक में, भारतीय जनता पार्टी को सबक लेना चाहिए। 21 राज्यों में अगर बीजेपी की सरकार है तो ये इस गफलत में चूर ना रहे बीजेपी। 3 राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव होने बाकी हैं और 3 राज्यों में कहीं ना कहीं बीजेपी पर खतरे की घंटी बज रही है कि खतरा मंडरा रहा है कि वो 3 राज्य खिसक सकते हैं बीजेपी के हाथों से। बिल्कुल बिल्कुल, मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ जो 3 राज्य हैं, वो उन्हीं राज्यों से अगर बीजेपी जीत जाती है तो 2019 की जो तस्वीर है वो साफ तरीके से दिखने लगेगी। आखिर होना और अनुज जी ये नहीं कि 21 राज्यों में अगर सरकार है तो उसके बलबूते मोदी सरकार अगले साल सत्ता पे फिर से आएगी, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए महागठबंधन सामने है, क्या उनके घोषणा पत्र होंगे। मोदी सरकार यहाँ पे, मोदी सरकार का अगर सबसे मजबूत पक्ष है वो है राम मंदिर। अगर राम मंदिर पे कोई दाव खेल ले गई बीजेपी तो समझिए सारा बहुसंख्यक का वोट बीजेपी खाते में आ जाएगा और बीजेपी को चाह कर भी कोई पार्टी नहीं हरा पाएगी। बिल्कुल, आप देखिए कि उनके प्रवीण तोगड़िया है वो राम मंदिर को लेकर के राग अलापते रहते हैं कि कहीं ना कहीं जो हिंदू हैं उनके साथ कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने विश्वासघात किया है। अब अगर उनके अपने ही खेमे के लोग, अपने ही लोग इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को, क्योंकि प्रवीण तोगड़िया का जो ट्विस्ट आया है वो ट्विस्ट हो सकता है कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लाया गया हो, क्योंकि राजनीति तो बहुत कुछ कर जाती है और राजनीति में कोई भी किसी का सगा नहीं होता है, हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं। लेकिन कैराना का जो सियासी दंगल है वो अभी बहुत जल्द खत्म होने वाला है, 28 मई को वोटिंग होगी वहाँ पे, 31 मई को चुनावी नतीजे सामने आएंगे। लेकिन जिस तरह से कंवर हसन ने आरएलडी को समर्थन दिया है और तबस्सुम हसन का साथ देने का फैसला किया है, बीजेपी के उम्मीदवार मृगांका सिंह के लिए मुश्किलें बड़ी हैं। नूरपुर का जिक्र गायब है, बीजेपी पूरी तरह से फोकस कर रही है कैराना पे, सपा बसपा आरएलडी कांग्रेस सबका गठबंधन फोकस कर रहा है कैराना पे, यानी कैराना बहुत नाक का प्रश्न बन गया है बीजेपी के लिए। सवाल अभी भी यहीं पे है कि अगर कैराना जीतती है, बीजेपी अगर जीतती है तो क्या वाकई इसकी बदौलत अगले साल सरकार बनाने में कामयाब होगी बीजेपी और क्या वाकई बीजेपी जीत पाएगी कैराना? बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ मैं अगले प्रोग्राम में फिर आपके सामने आऊंगी, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।